जय जय श्री राम। राम की बात एक आदमी जाके एक और तक कह लगा कि बहन जी आपकी उम्र ना आपकी जाति के अपने पिताजी के बाद की बताओ या अपने माता के बाद की बताओ बताओ। बोले हाँ कोई सी भी बता दे। कहते हम और जो है जाति विहीन होते हैं, हमारी कोई जाति नहीं होती। बोला ऐसे कैसे? कहता माता बहन ज्ञान हो तो ज्ञान है तो देश कहे सामने वाले। बोला वो कैसे? बोला वो ऐसे कि जब बच्चा पैदा हो उसने अपने पास खवाओ प्यावे, ठीक है ना, उसका सबको साफ सफाई रखे तो बोला उस टाइम पे सुधर हुआ है ना भाई। जब बच्चे के सारे कर्म करे, बच्चा छोटा सा हो, नहाना धोना खुआना प्याना साफ सफाई करना कपड़े धोना ही करना, ये सुंदर का काम निकले जब उस टाइम पे सुंदर हो। बोला फिर बोला थोड़ा बड़ा हो जा, जितनी भी नकारात्मक परेशानियां सामने आओ बच्चे के, माँ क्षत्रिय बनकर खड़ी हो जाए उस टाइम पे जब मेरा क्षत्रिय रूप हो है, तो वह मेरी जाति कौन हो पर हूं तो क्षत्रिय। बोला फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जा, ज्ञान लेने लायक हो जा, तो सबसे पहले ज्ञान दे तो माँ दे है, उस टाइम पे ब्राह्मण हूं कि ब्राह्मण ज्ञान दे मैं, तो तीन जातियां तो होगी मेरी, रही चौथी जब बच्चा बिल्कुल वयस्क हो जा कमान दमान लाग जा तो उसका आए वे सब कुछ समझाऊं तो उस टाइम पे मैं वैश्य हूं। बता मेरी जाति को जाति विहीन हुई कि नहीं हुई? तो भाईड़ो अपने आप को ना ज्ञान की ओर प्रोत करो, आप उससे बाहर मत आओ, उसके अंदर घुसो। इंसान समझता नहीं है, बस एक कच्ची समझ है भाईड़ो कि मेरा अच्छा कैसे हो सके। भाई अपना अच्छा तो खुद कर सके, दूसरा नहीं कर सकता। अरे सिर में खुजली हो अपना हाथ से जगह पर पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरे ने कहे वो कहते यहाँ यहाँ यहाँ, वो यूं करता रहेगा, उस जगह पर पहुंचने के लिए कम से कम भी दो चार पांच बार घूमना पड़ेगा उसने। लेकिन जिसने खुद हो वो तो फट से उड़े जाएगा जागा ना। तो इसका मतलब खुद का ज्ञान है, लेकिन इंसान है ना, और आदमी को यह भी पता है कि मैं कहां तक जा सकूं,